सभी को नमस्कार। मेरा नाम उमेर उस्मानी है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की नई हिंदी वीडियो सीरीज़ संविधान की बात देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं और मेरे साथी होस्ट शुक्ति सिन्हा चौथे स्तंभ के संस्थानों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अंग्रेज़ी में फोर्थ पिलर इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हैं ये फोर्थ पिलर इंस्टीट्यूशंस और यह इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। पिलर इंस्टीट्यूशंस ऐसी संस्थाएं हैं जो कि भारत के संविधान या फिर किसी अन्य कानून में विशिष्ट रूप से दी गई हैं। संविधान इन संस्थाओं के काम करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है जो कि इन्हें स्वतंत्र बनाती हैं। यह संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनकी स्वतंत्रता इन्हें लोकतंत्र पर नज़र रखने में या फिर चेक और बैलेंस की एक व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं। इनकी स्वतंत्रता इन्हें भारत के संविधान का पालन इंश्योर करने में भी सक्षम बनाती हैं। इसलिए ऐसी संस्थाएं एक निष्पक्ष और सच्चे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फोर्थ पिलर इंस्टीट्यूशंस के कुछ उदाहरण हो सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन्स, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इत्यादि। तो आइए सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत किया गया था। सीआईसी का मुख्य उद्देश्य आरटीआई एक्ट को लागू करना होता है। आप लोगों के मन में यह प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि आरटीआई एक्ट क्या होता है। तो आरटीआई एक्ट भारत के नागरिकों को सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस एक्ट का मूल उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कम करना है। सीआईसी यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक बिना किसी कठिनाई के आरटीआई एक्ट के तहत पूछताछ के लिए अनुरोध दर्ज कर सकें। सीआईसी यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार अनुचित कारणों के आधार पर नागरिकों को इस अधिकार से वंचित ना कर सके। सीआईसी आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। अब जबकि हम जानते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, तो आइए देखते हैं कि सीआईसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। हालांकि सीआईसी को अपने मुख्य कार्य करने के लिए अपेक्षित अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल झुलका के रिटायर होने के बाद 6 साल में 5वीं बार सीआईसी बिना प्रमुख के रह गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट का मानना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करने से सरकार लोगों के अधिकार को खतरे में डाल रही है, क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी के रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कोविड-19 महामारी में यह स्थिति और बिगड़ गई है, क्योंकि सीआईसी अभी भी बिना प्रमुख के है और पेंडिंग मामले 36,000 के आंकड़े को पार करने वाले हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ साथ बिहार, गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग भी बिना प्रमुख के रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सही समय पर पदों को भरने के महत्व पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया 1 से 2 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए ताकि पद लंबे समय तक खाली ना रहे। हालांकि सीआईसी ने बिना प्रमुख के होने के बावजूद महामारी के दौरान ठीक ठाक काम किया है। सीआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार सीआईसी ने 6,527 मामलों में सुनवाई की है और 7,012 अपीलों और कंप्लेंट केसों में इंटरिम और फाइनल ऑर्डर जारी किए हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीआईसी पेंडिंग मामलों को कम करने में कामयाब नहीं हो पाया है, जो कि अभी भी बढ़ रहे हैं। एनडीए सरकार ने हाल ही में आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट करने का प्रयास किया है। अगर यह अमेंडमेंट पास हो जाता है
तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नरों का निर्धारित कार्यकाल और सैलरी ख़त्म कर दिया जाएगा और यह सरकार द्वारा तय किया जाने लगेगा। यह आयोग की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आरटीआई अमेंडमेंट बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचना करने के लिए कई पूर्व इंफॉर्मेशन कमिश्नर सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल पास हो जाता है तो भारत का पारदर्शिता कानून, जिसको इस समय विश्व में नंबर 2 के स्थान पर समझा जाता है, कमज़ोर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड, जिसको हम आमतौर से PMCARES फंड के नाम से भी जानते हैं, भारत में COVID-19 महामारी के बाद 28 मार्च 2020 को बनाया गया था। इस फंड का उपयोग COVID-19 के प्रकोप के खिलाफ मुकाबला करने में और राहत प्रयासों में किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं और इसके ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री श्री अमित शाह और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण शामिल हैं। PMO ने हाल ही में PMCARES फंड के संबंध में RTI एक्ट के तहत दायर किए गए आवेदन का उत्तर देने से इनकार कर दिया है। आवेदन में तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए PMO ने अपने असामान्य रूप से तेज़ उत्तर में RTI को अस्वीकार कर दिया है। अपने उत्तर में PMO ने CIC के एक पिछले आदेश का सहारा लिया। आदेश पर PMO की निर्भरता हालांकि गलत है, क्योंकि उस आदेश में CIC ने आवेदन को खारिज नहीं किया था, बल्कि उन्होंने केवल विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्नों के लिए एक अतिरिक्त शुल्क की मांग की थी। CIC ने अपने बाद के निर्णयों, जैसे DK भौमिक वर्सेज SIDBI और अमित पांडे वर्सेज SIDBI में RTI एक्ट के प्रावधानों के तहत पाई जाने वाली भ्रम की स्थिति को दूर करने की कोशिश की है। CIC ने कहा है कि RTI एक्ट का सेक्शन 7 क्लॉज 9 का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि केवल एक से अधिक विषयों से संबंधित होने के कारण आवेदन को अस्वीकार करना गलत है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि अनुरोधों की बहुलता के आधार पर आवेदनों के दायरे को सीमित करना और मांगी हुई सूचना के हर दूसरे बिंदु के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग करना RTI एक्ट की भावना के विरुद्ध है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको भारत के पारदर्शिता कानून के बारे में और ज्ञान मिला होगा, और यदि आप भविष्य में RTI एक्ट के तहत कोई आवेदन दायर करते हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब मेरे साथी होस्ट शुक्ते सिन्हा, कॉम्पटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक, संक्षेप में CAG, वो सर्वोच्च प्राधिकारी हैं जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों की आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा यानी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जिम्मेदार हैं। CAG की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संविधान के अध्याय 5 के भाग 5 अर्थात अनुच्छेद 148 से 151 के तहत परिभाषित की गई हैं। CAG उन कुछ अधिकारियों में से एक हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते हैं। CAG की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने में से जो भी पहले हो के लिए की जाती है, और अपने कार्यकाल के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। प्रभावी ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन कर सकने के लिए CAG को कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां दी गई हैं जो ऑडिटिंग की प्रक्रिया में सहायक होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य शक्तियाँ हैं। पहली, CAG या उनके कर्मचारी संगठनों के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं जो उनकी लेखा परीक्षा के अधीन है। वह और उनके कर्मचारी सरकार के लेन देन की जांच कर सकते हैं और प्रशासन से इन लेन देन की विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न कर सकते हैं। लेन देन की जांच के बाद यदि वे चाहें तो अपनी आपत्तियों को वापस ले सकते हैं, या यदि उन्हें ये आपत्तियाँ गंभीर लगती हैं तो उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। दूसरा, अपना काम आसानी से करने के लिए CAG को सभी वित्तीय अभिलेख जैसे बही, कागजात और दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित सूचना मांगने की स्वतंत्रता होती है। 7 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू,
को श्री राजीव महर्षि के स्थान पर सीएजी नियुक्त किया गया, जो सितंबर 2017 से इस पद पर थे। पीएम केयर्स फंड और सीएजी। अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय के इस कथन पर विवाद उत्पन्न हुआ कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सीएजी द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह फंड निजी दान से बना है, न कि सार्वजनिक धन से। सीएजी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस फंड का ऑडिट करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह फंड लोगों तथा संस्थाओं के दान पर बना है। हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा निधि यानी कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड के आधिकारिक तौर पर सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं किया गया, फिर भी 2013 के उत्तराखंड बाढ़ मामले में खर्च से संबंधित ऑडिट प्रश्नों का अनुपालन किया गया। ऑडिट न होने, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी से संबंधित आलोचना के जवाब में 30 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि फंड के ट्रस्टियों के द्वारा नियुक्त स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा इस फंड का ऑडिट किया जाएगा। भारत सरकार ने भी दान के लिए रसीदें जारी करना शुरू कर दिया। जून 2020 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म SARC एंड एसोसिएट्स को 3 साल की अवधि के लिए पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया। SARC एंड एसोसिएट्स ने पहले 2019 में एक अन्य निजी फर्म को इसके ऑडिटर के से हटाकर PMNRF का ऑडिट किया था। SARC एंड एसोसिएट्स के हेड श्री सुनील कुमार गुप्ता पहले भी कई सरकारी संस्थाओं से के सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। निजी ऑडिटर के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है। पीएम केयर्स फंड को सभी विदेशी दान की जांच और निगरानी से छूट दी गई है, क्योंकि जहां तक इस फंड का संबंध है, इसे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों से छूट दी गई है। अप्रैल 2020 में प्रवासी भारतीय, केवल भारतीय मूल के व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विदेशी दान स्वीकार करने की भारत की पूर्व नीति से प्रस्थान के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्रालय ने रूसी राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट से पीएम केयर्स को वित्तीय सहायता देने की प्रतिज्ञा पर टिप्पणी करने से इनकार करा। वर्ष 2020 की चीन भारत झड़पों और मोबाइल अनुप्रयोगों सहित चीनी उत्पादों पर भारत सरकार के प्रतिबंध के आलोक में जून 2020 में विपक्षी नेताओं ने चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों से पीएम केयर्स कोष में दान स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की आलोचना की। इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेली सर्विसेज प्रोवाइडर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए निर्णय को देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने सीएजी को प्रदान किए गए कर्तव्यों और शक्तियों को संविधान की मूल संरचना माना है। इसी मामले में सीएजी अधिनियम की धारा 13 में सभी लेन देन यानी ऑल ट्रांजैक्शंस शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया गया था और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सीएजी ऑडिट की अनुमति देने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या लागू की गई थी, क्योंकि वे स्पेक्ट्रम का व्यापार कर रहे थे जो जनसाधारण की एक प्राकृतिक संसाधन है लेकिन राज्य द्वारा नियंत्रित है। इसी तरह क्योंकि पीएम केयर्स सार्वजनिक खाता होने के अनुरूप है और क्योंकि भारत सरकार के इशारे पर बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया है, सीएजी को ऑडिट करने की अनुमति देना पारदर्शिता की दिशा में एक कदम होगा और फंड में जनता का विश्वास स्थापित करेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि जब सीएजी रिपोर्ट को उसके समक्ष रखा जाता है तो पीएम केयर्स संसद के प्रति जवाबदेह होगा। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम मामले में कहे गए शब्दों में कहें तो सांसदीय लोकतंत्र को कायम रखा जा सकेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अवलोकन PMNRF, चीफ मिनिस्टर्स फंड और अन्य समान फंड्स को सीएजी ऑडिट के अधीन करने के लिए और इस प्रकार विधायी निरीक्षण के लिए भी लागू होते हैं। इसी प्रकार RTI दायरे में इन फंड्स को लाने से पारदर्शिता बढ़ेगी। अगस्त 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर एक याचिका जिसमें पीएम केयर्स
से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए धन हस्तांतरण की मांग की गई थी, यह मानते हुए खारिज कर दी कि भारत सरकार अपने विवेक से दो निधियों के बीच स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र थी। सेंटर फॉर PIL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को, जिसमें PM केयर फंड की वैधता पर फैसला दिया गया था, कई लोगों द्वारा निराश होकर यह आरोप लगाया गया था कि यह जनहित के मामलों में न्यायालय की हैंड्स ऑफ अप्रोच को उजागर करता है, जहां यह कार्यपालिका से प्रश्न करने के बजाय उस पर अधिक विश्वास करता है। आज हमने भारत के चौथे स्तंभ के संस्थानों के विषय पर चर्चा की, मुख्य रूप से CIC और CAG के बारे में। चर्चा में न केवल हमने उनके कार्यों के बारे में बात की, बल्कि हमने प्रयास किया कि उनकी कमियों पर भी प्रकाश डालें, खास तौर पर PM केयर्स फंड विवाद के विषय में। इस प्रकार हमने उनकी सरकार पर नियंत्रण करने वाले कर्तव्यों पर और प्रकाश डालने का प्रयास किया। इस वीडियो का उद्देश्य PM केयर्स फंड के बारे में कोई राजनीतिक वक्तव्य देना नहीं था, बल्कि जो विवाद और मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर प्रकाश डालना था। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक वीडियोस और अन्य कंटेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को YouTube पर सब्सक्राइब और अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।